अलग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फैंस यशराज फिल्म से आगे? क्या टाइगर जैसी फ्रेंचाइजी से यशराज फिल्म को मिल रहा है बड़ा फायदा? कौन लेकर आएगा एक्शन फिल्मों का दौर? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बन रही टाइगर 3, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, इसकी रिलीजिंग डेट 21 अप्रैल 2023 बताई गई है। सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर, ये फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट होने वाला है। मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में से होने वाली है। साथ ही टाइगर 3 एक हाई बजट की फिल्म भी बताई जा रही है। इस बार इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने एक और सुपरस्टार आ रहे हैं, जिनका नाम है इमरान हाशमी। इमरान यह एक खलनायक के रूप में दिखाई देने वाले हैं और पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिर किस प्रोडक्शन हाउस के अंदर इस फिल्म को बनाया गया है और आगे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्शन हाउस से। अगर आपको फिल्म देखना पसंद है, एक बार तो आपने यशराज फिल्म्स का नाम सुना जरूर होगा। यशराज एक बहुत बड़ी और पुरानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, जिसके बैनर तले कई बड़ी फिल्में बनी हैं। यशराज की इस प्रोडक्शन कंपनी में हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1997 में आई दिल तो पागल है, जिसने पुरानी फिल्मों के साथ अब की रिलीज वॉर सुल्तान जैसी कई फिल्में हैं। लेकिन तब से अब तक कई चीजों में बदलाव देखने को मिला है। कंपनी का टेस्ट पूरी तरह से बदल चुका है। जब पहले की फिल्में फैमिली बेस्ड और कपल बेस्ड होती थी, अब पूरी तरह से एक्शन थ्रिलर में बदल गया है। हालांकि कंपनी हर तरह की फिल्में देती है, लेकिन अब उनका मेन मकसद पब्लिक को एक्शन फिल्मों की तरफ खींचना है, जिसके लिए उन्होंने अलग से तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें, यशराज ने अपना एक स्पाई यूनिवर्स बना लिया है, जिसमें बस एक्शन ही एक्शन देखने को मिलने वाला है। इस पर काम काफी पहले ही शुरू हो गया है। ये एक्शन करने वाले कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं, बल्कि हमारे बॉलीवुड के मोस्ट वांटेड हीरोज हैं, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे नाम हैं, जिन्हें एक्शन का मास्टर कहा जाता है। वहीं इस स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत एक था टाइगर से हुई थी, जो कि अब टाइगर 3 तक पहुंच चुकी है। इस यूनिवर्स में आने वाली फिल्में पठान, वॉर 2 भी होने वाली है। स्पाई यूनिवर्स से आगे देखें तो यशराज एक्शन से अलग सोशल कॉमेडी ड्रामा और पारिवारिक फिल्में भी ला रहा है, जिसमें जैश भाई जॉर्डन और द ग्रेट इंडिया फैमिली जैसी फिल्में भी हैं। इसे देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि यशराज केवल एक्शन फिल्में ही ला रहा है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कंपनी का मेन फोकस एक्शन फिल्में ही है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मेकर सबसे ज्यादा पैसा इसी में लगा रहे हैं। टाइगर 3 की बात करें तो इस फिल्म में अब तक सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है। पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट 225 करोड़ से ऊपर जाने वाला है। मेकर्स इतना पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिलने वाला है। वहीं पिछली कुछ फिल्मों से भी अब उन्हें अंदाजा भी हो गया है। ये सब देखते हुए तो ये भी लग रहा है क्योंकि हमारी अब की जनता ज्यादा एक्शन मूवीज देखना चाह रही है, इसलिए मेकर्स भी उनके लिए ज्यादा एक्शन फिल्में ला रहे हैं, जिससे टीम को भी फायदा मिल रहा है और पब्लिक भी एंटरटेन हो रही है। आगे भी अगर पब्लिक का यही रिस्पांस रहा तो आगे का दौर भी एक्शन फिल्मों से भरा होने वाला है। अभी तक तो हम यशराज की बात कर रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन भी जल्द ही एक्शन फिल्मों की तरफ अपना रुख लेने वाली है, जहां धर्मा प्रोडक्शन को कुछ कुछ होता है जैसी फैमिली ड्रामा फिल्म और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी रोमांटिक फिल्मों के लिए जाना जा रहा था। वहीं अब धर्मा प्रोडक्शन अपनी फिल्में रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स के साथ मिलकर यशराज को पूरी टक्कर दे रही है। यहां भी हमारी पब्लिक ज्यादा एक्शन फिल्में देखना पसंद कर रही है। धर्मा प्रोडक्शन की 2018 में आई सिम्बा और 2021 में आए सूर्यवंशी इस बात को साफ कर रही है कि धर्मा प्रोडक्शन भी एक्शन फिल्मों के दौर लेने में यशराज की बराबरी कर रहा है। हालांकि करण जौहर अभी भी रोमांटिक ड्रामा फिल्में जैसे गहराइयां और बायोपिक ड्रामा गुंजन सक्सेना सारांश बनाने में लगे हुए हैं। आप फ्यूचर में किन फिल्मों का दौर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।